वैसाखी है, सबसे बड़ी बात तो ये वैसाखी का जो माहौल है सबको अच्छा लगता है। पंजाबी तो चलो पंजाबियों को तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, तो इन्जॉय करने का डे है। या What made me? Yeah. Tiwana Paji and Timmy Paji phoned me and said कि ये ऐसा ऐसा करके हम साकी का शो कर रहे हैं भाई और हम चाहते हैं आप करो, और मुझे लगा मैंने बोला इससे बड़ी और बात हो ही क्या सकती है कि इस दिन इतने पावन दिन पे हम खुद परफॉर्म करेंगे और पंजाबी लोग होंगे वहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में शोज बहुत कम होते हैं और राइट मुझे मैं बहुत एक्साइटेड था इसलिए मैंने हाँ बोला और इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये शो अभी अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर सारी चीज़ें मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहेगी शो में, लेकिन ये कुछ ऐसे होगा, मैं कुछ पंजाब इस बार बॉम्बे के लोगों को कुछ पंजाब के बारे में और पंजाबियत के बारे में और अपना फोक सुनाऊंगा कुछ जो पंजाब का जो बहुत देर से लोगों ने नहीं सुना है। मैं चाहता हूँ कि इस दिन बैसाखी के दिन लोगों को वो सुनाया जाए जिसके लिए एक्चुअली ये त्यौहार मनाया जाए। इससे ज़्यादा क्या डिफरेंट होगा कि मैं उस दिन महाराष्ट्र में सिर्फ पंजाबी फोक सुनाऊंगा और पूरी इंडस्ट्री सामने बैठी हुई और वो हमारी जो हमारा फोक है जो उन्होंने नहीं सुना है वो सुनेंगे। बॉलीवुड तो हम रोज़ गाते हैं, बॉलीवुड शोज़ करते हैं, कुछ ना कुछ भंगड़ा डांस कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रैप भी करते हैं, लेकिन उस दिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप यकीन कीजिए मैं याद कर रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं गाई है ज़िंदगी में, तो वो कोशिश करूँगा कि मुझे रट जाए याद हो जाए ताकि मैं वो बिना पढ़े गा सकूँ। नहीं ये नॉट ओनली हिंदी, पंजाबी भी होगा, पंजाबी फोक पंजाबी में होता है, हिंदी में नहीं होता फोक पंजाबी, तो पंजाबी में होगा लेकिन हिंदी भी थोड़े बहुत हिंदी गाने भी गाएंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पंजाबी समझ नहीं आती, ऑडियंस में शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी समझते हैं, लेकिन तो ये भी बात है कि पंजाबी गानों में लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, ये बात सच है कि नहीं सच है? आपको सबको पता ही है कि जितने भी वैसे पाजी का गाना है ना, तो वो भी पंजाबी है, लेकिन यहाँ पर थरथराते पैर है सबके और मज़ा आता है सबको नाचने का पंजाबी गानों में ज़्यादा, तो पंजाबी गानों में वो बात है जो कोई भी बंदा उठ के नाचता है, तो वहाँ पर फुल एंड फुल पाजी इन्जॉय करवाएंगे और मैं तो तड़के लगाऊंगा कॉमेडी और सिंगिंग के साथ साथ में दोनों के। वैसाखी हमारे लिए नया साल है सर, जो मलाड फेस्टिवल जो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ उसके सक्सेस के बाद जो हमारे कम्युनिटी के जो पंजाबी यूथ है उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बोला आप ऐसे सोशल इवेंट्स करते हो तो कम्युनिटी के लिए क्यों इवेंट्स क्यों नहीं करते हो, तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन सब यंगस्टर्स ने मिलकर, तो हमने डिसाइड किया कि हमको शुरुआत देनी चाहिए मुंबई से पहले, तो इसलिए बैसाखी जो एक दिल के करीब जो खालसा पंथ की शुरुआत है हमारे लिए जो इतना इम्पोर्टेंट दिन है और हम पंजाबियों के लिए न्यू ईयर मनाया जाता है हम लोगों को, तो हमने ये डे चूज़ किया कि हम शुरुआत ही हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन की बैसाखी नाइट से करेंगे, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से मैं नवराज भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ और राजा भाई को कि उन्होंने ये हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और जो मुंबई में इतने सीजन जो हमारे कम्युनिटी के जो स्टार्स हैं मैं बोलूँगा तो वो अगर उतर के मुंबई में आ रहे हैं, तो ऐसे ही जो ऑलरेडी मुंबईकर्स के हमें इतना ज़्यादा अभी से ही कॉल्स आ रहा है कि वी वांट टू कम, हमको आना है करके, तो ये एक्साइटमेंट है सिर्फ हमें नहीं है पूरे मुंबई में फैल चुकी है कि नवराज भाई और राजा जी भी परफॉर्म करने वाले हैं सर, तो बैसाखी की नाइट ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद हम जो महाराष्ट्र पंजाबी एसोसिएशन लेके चल रहे हैं इससे कीर्तन दरबार भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और जो भी हमारे कम्युनिटी के प्रोग्राम्स है लोहड़ी दी नाइट वो सब ऑर्गेनाइज़ करने वाले आगे चल के। देखिए हमारा जो बैसाखी नाइट है ये रंग शारदा ऑडिटोरियम मुंबई में बैंड्रा में होने वाला है और हमारे स्टार परफॉर्मर नवराज हंस जी और राजा सगू जी उस दिन परफॉर्म करेंगे, उसके साथ में भांगड़ा ट्रूप भी होगा और भी आर्टिस्ट है, कई आर्टिस्ट है, सारे स्टार्स रहेंगे, सेलिब्रिटीज़ है, क्रिकेटर्स है मुंबई के, जो भी पंजाब से एसोसिएटेड है और पंजाबीज़ है तो उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेलिब्रिटीज़ से लेके हर सेक्टर में, बैंकिंग बोलो आप, बिजनेस सेक्टर जो आप बोलोगे, सब सेक्टर के आपको कम्युनिटी के सारे पंजाबीज़ आपको मुंबई के एक ही छत के नीचे उस दिन आपको मिलेंगे, वैसा की नाइट मनाते हुए इन्जॉय करते हुए। पंजाबी सॉन्ग्स की बात किया जाए तो आजकल काफ़ी एक्सप्लोर हो रहा है, बॉलीवुड में भी पंजाबी सॉन्ग्स अभी आ गए, काफ़ी लोग पसंद भी
अभी तक तो मेरा तो नहीं आया, लेकिन पाजी का सॉन्ग आ गया है, मेरा तो पाइपलाइन में अभी घूमते जा रहा है। मैं अभी दो तीन दिन पहले एक सीटिंग में बैठा था, किसी बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और राइटर हैं, उनके साथ बैठा था। तो मेरा अभी एक पहले जो छोटे छोटे बैग है वो भी थोड़ा पंजाबी स्टाइल का ही है, चल कुड़िया नहीं चलो तैयार, वो ऑलमोस्ट पंजाबी। और जो मुंडिया तो बच के रहे हैं वो तो है ही पंजाबी हार्ड कोर, और वीरे की वेडिंग का गाना भी था वो भी पंजाबी। तो उस दिन हम सीटिंग में बैठे हुए तो वो सब बोल रहे हैं, यार जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने हमें बोला, जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, भाजी यार मेक श्योर के पंजाबी में हो जाए। तो मैं इन्ना प्राउड फील कर रहा उस चीज़ में, मैंने इदा लगता यार कि एक टाइम सी जो पंजाबी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इतने आने लिए, बड़ा टाइम लगता से लोगों को आने लिए, बट नाउ आई फील यू नो सो हैप्पी अबाउट इट कि अब हिंदी फिल्म में मेन स्ट्रीम में जो म्यूज़िक है मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, उसमें हर फिल्म में एक पंजाबी गाना होता है। और आपको मैं और बात बताऊँ कि इस साल मेरे 6 और रिलीज हैं ऐसे गाने, तो आई एम सो हैप्पी कि उस पर काम कर रहा हूँ। एफर्टलेस लगने के लिए आपको बिहाइंड द सीन बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे आप जैसे मैं कोई गाना गाता हूँ, सपोज होनी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडियां तो बच के रही, जो भी इस गाने में मैं जो कर रहा हूँ वो एफर्टलेस इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने घर पे शायद उसके लिए 10 साल रियाज किया, 10 साल मेहनत किया। और मेरे तो लेसन ऐसे होते थे, मैं गाता भी था साथ में, मुझे डांस भी करना था, भंगड़े की ट्रेनिंग की मैंने, और भी फॉर्म सीखी है थोड़ी बहुत जो डांस की, लेकिन जो गाना जो मैंने बाकायदगी से सीखा है, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि गाना सीखना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो एफर्टलेस लगता है आपको बहुत ज़्यादा, उसमें आपको एफर्ट नज़र नहीं आएगी बहुत ज़्यादा कि आर्टिस्ट का बहुत जोर लग रहा है, यहाँ से ये फूल रहा है, ये सब नहीं, आपको एफर्ट पीछे लेकिन करनी ही पड़ती है, तब जाके ऑडियंस को लगता है यार क्या एनर्जी है यार आवाज़ में, क्योंकि वो पीछे की जो मेहनत जो स्ट्रगल होती है जो रियाज होता है वो फिर माइक में बोलता है आपका वैसा जैसा आप चाहते हो। और अगर आपने नहीं मेहनत की हो, नहीं रियाज किया हो, तो आपको फिर बहुत तकलीफ आती है, या आपको ऊपर जाने में तकलीफ आएगी या आपको नीचे सुर में तकलीफ आएगी। और अगर आपने मेहनत की होगी, रियाज किया होगा, तो फिर लोगों को लगेगा यार क्या एनर्जी है। तो दिस इज़ नॉट इट।